नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एएसएन क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो बेहद ही चौंका देने वाली घटना है, जहां पर एक 28 साल की महिला पिछले 2 साल से अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। लेकिन दोस्तों वो महिला अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए उसका प्रेमी उससे मारपीट करता रहता था। लेकिन दोस्तों महिला अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी जेठ की बेटी यानी कि अपनी भतीजी को ही अपने प्रेमी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों जब इस बात की जानकारी उस महिला के पति और उसके जेठ को लगी तो उन्होंने क्या कर डाला, आइए इस घटना की पूरी जानकारी आप लोगों को बताता हूँ। बस आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ढेर सारा शेयर भी कर दें। दोस्तों चढ़ती जवानी और हवस की ये कहानी बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव से सामने आई है, जहां पर मीना नाम की 28 वर्षीय महिला अपनी शादी के 3 साल बाद ही अपने पति से झगड़ा बवाल करके उससे अलग होकर अपने मायके में ही रहने लगी थी। दोस्तों मायके में ही रहने की वजह से मीना का अमित नाम के लड़के से प्रेम प्रसंग चलने लगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इन दोनों का प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों तक चलता रहा और दोनों सारे गांव वालों के सामने सरेआम लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उस महिला और उसके प्रेमी के बीच तनाव बढ़ने लगा, यानी कि वो महिला अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाती थी, इसलिए उसका प्रेमी उसके साथ अक्सर गाली गलौज और मारपीट करता रहता था। दोस्तों अपने प्रेमी के इस व्यवहार से महिला काफ़ी टूट चुकी थी, लेकिन दोस्तों वो महिला अपने प्रेमी को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहती थी। दोस्तों उस महिला ने भले ही अपना ससुराल छोड़ दिया था, लेकिन उस महिला की जेठ की बड़ी बेटी और उस महिला का रिश्ता अभी भी बना हुआ था। उस महिला के जेठ की बड़ी बेटी यानी कि उसकी भतीजी अक्सर अपनी चाची के मायके आया जाया करती थी और वहाँ पर रहा करती थी। उस महिला ने इस बात का फायदा उठाया और अपने प्रेमी को खुश करने के लिए अपनी भतीजी को ही अपने प्रेमी के सामने खड़ा कर दिया। दोस्तों आए दिन हर रोज वो महिला अपनी भतीजी को नशीला पदार्थ खिलाकर अपने प्रेमी के साथ दुष्कर्म करवाने लगी थी। दोस्तों ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक दिन की बात है जब वो महिला अपने भतीजी को खाने में नशीला पदार्थ देना भूल गई और जब रात को उसका प्रेमी उसके भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के लिए उसके रूम में गया तो उसकी भतीजी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद दोस्तों उस महिला ने अपनी भतीजी का हाथ और पाँव रस्सी से बांध दिया और फिर अपने प्रेमी से ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म करवाने लगी। दोस्तों जब सुबह हुई उस महिला की भतीजी ने चुपके से अपनी चाची के घर से निकलकर अपने गांव पहुंच गई और अपने साथ बीती सारी घटनाओं को उसने अपने पिता और अपने चाचा को बता दिया। उसके बाद दोस्तों जब इस बात की जानकारी उस लड़की के पिता और उसके चाचा को लगी तो उन लोगों ने मिलकर उस महिला और उसके प्रेमी को जान से मार डालने की योजना बना डाली। प्लान के मुताबिक दोस्तों पिता ने अपनी बेटी को अपनी बहू के मायके भेज दिया और चुपके से उसी रात दोनों भाई उसके मायके पहुंच गए। दोस्तों जब रात को महिला ने खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उस लड़की को दिया और जब रात के 10:30 बजे उसका प्रेमी उसके घर आया तो पहले से ही घर के पास छिपे उस लड़की के पिता और चाचा ने मौके पर उस महिला को हाथ में ले लोहे की राड से पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद अपनी बेटी को लेकर वहां से रातों रात फरार हो गए। दोस्तों जब सुबह हुई आसपास के लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच करना शुरू कर दिया और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दोस्तों जब पुलिस ने उस महिला के पति को फोन किया और इस घटना की पूरी जानकारी उसके पति को दिया तो उसके पति ने पुलिस को सारी सच्चाई बताई। उसके बाद पुलिस ने इस घटना को प्रेमी और प्रेमिका के बीच चल रहे विवाद के बाद एक दूसरे का हत्या करने के रूप में बदल दिया। और इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया। तो दोस्तों आपने देखा एक महिला जब अपने प्रेमी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाई तो उसने अपनी जेठ की बेटी यानी अपनी भतीजी को ही हर एक दिन नशीला पदार्थ खिलाकर अपने प्रेमी के सामने परोस दिया करती थी। जब इस बात की जानकारी उसके पति और उसके जेठ को लगी तो उन दोनों ने मिलकर उसके प्रेमी और उस महिला को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता रखने वाली औरतों को समझें
सावधान रहें, सतर्क रहें, उनसे दूरी बनाकर रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।